हेलो डियर, आज हम बात करेंगे यहाँ पर न्यूट्रिशन बैक्टीरिया। क्योंकि आपको पता है हम मोनेरा किंगडम को स्टडी कर रहे हैं और मोनेरा किंगडम में सारे प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड करते हैं और प्रोकैरियोट्स में मेनली जो आ जाते हैं वो सारे के सारे आपके बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ उसके न्यूट्रिशन से रिलेटेड दे रखा है जिसको मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया है, क्योंकि पूरी बायोलॉजी में ये सारे आपको कहीं ना कहीं पॉइंट्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप यूं मत समझिएगा कि मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी जा रहा हूं या बहुत ज्यादा आपको एक्सपेंड करके पढ़ा रहा हूं, नहीं है। ये आपकी पूरी बायोलॉजी में ये कहीं से ये टॉपिक आपको या ये एग्जाम्पल लिंक करते हुए जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको यहीं पर इन चीजों को तैयार करना, मैं वहां पर भी चीजों को फर्दर रिपीट करूंगा ताकि आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा और ये टॉपिक जो है वो आपके बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। याद रखने वाली चीजें हैं तो मैक्सिमम जितनी बार ज्यादा रिपीट होंगी उतना आपके लिए अच्छा है, आपको इजी वे में वो चीजें याद होंगी, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो न्यूट्रिशन की बात करें उससे रिलेटेड एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना, संरचना देखते हैं, तो संरचना तो उसकी बिल्कुल सिंपल या सरल है, लेकिन जो उसका हैबिट है, जो व्यवहार है, वो काफी ज्यादा जटिल है। तो ये मैंने एक एनसीईआरटी का स्टेटमेंट यहां पर लिखा है, ठीक है ना। एनसीईआरटी की किताब में आपको ये पॉइंट मिलेगा कि जीवाणुओं की संरचना देखने पर काफी ज्यादा सरल लगती है, लेकिन यदि उनके व्यवहार की तुलना संरचना से की जाए तो व्यवहार उनका काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, काफी ज्यादा जटिल होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, हम यहां पर बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, कि जीवाणु न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करते हैं, भोजन को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, भोजन को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, उसकी बात करें तो देखें कि कुछ पॉइंट्स यहां पर एनसीईआरटी के फर्दर में बता रहा हूं आपको कि बहुत अधिक उपापचय विविधता पाई जाती है, यानी इनके अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफरेंट टाइप का, अलग टाइप के बैक्टीरिया में, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बैक्टीरिया में आपको मेटाबॉलिज्म अलग प्रकार का मिलता है। तो यहां पर आप कह सकते हैं आपको उपापचय विविधता मिलती है। दूसरा आप बता सकते हैं अधिकांश जो जीवाणु हैं वो परपोषी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था तीन वर्ड्स के बारे में, ऑल, मोस्ट एंड सम, यानी सभी, अधिकांश और कुछ। ये तीन शब्द से रिलेटेड स्टेटमेंट जब भी आते हैं आप उसको थोड़ा सा, ये अधिकांश, सभी और कुछ, इन वर्ड्स को आपको इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि इन छोटे छोटे वर्ड से ही आपके स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, आपके आंसर गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान में रखें आप कि यहां पर मोनेरा किंगडम के अंदर अगर हम जब बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैक्सिमम जो बैक्टीरिया है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉपस, यानी अधिकांश जीवाणु आपको परपोषी या विषमपोषी स्वभाव के देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए, कुछ जीवाणु जो है वो आपको स्वपोषी भी देखने को मिलेंगे, तो यानी अधिकांश क्या है परपोषी और कुछ जीवाणु कैसे हैं स्वपोषी, दोनों प्रकार की चीजें यहां पर आ गई, अधिकांश भी आ गया और कुछ भी आ गया। उसके बाद में देखें कि एक्चुअल में न्यूट्रिशन किस प्रकार का होता है, तो पोषण के आधार पर हम यहां पर तीन प्रकार के बैक्टीरिया को डिस्कस कर सकते हैं। कौन कौन से? ऑटोट्रॉप्स, जिसे हम कहते हैं स्वपोषी, ठीक है ना, हेटरोट्रॉप्स, जिसे हम कहते हैं विषमपोषी, और तीसरा प्रकार आ जाता है आपका सिम्बायोटिक, जिसे हम कहते हैं सहजीवी। सहजीवी संबंध के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना। तीनों प्रकारों की हम यहां पर डिटेल से बात करने वाले हैं। पहला आ जाता है ऑटोट्रॉप्स या स्वपोषी। ऑटोट्रॉप्स या स्वपोषी का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप मीनिंग्स, जहां मैं बताऊं वहां आपको ये मीनिंग्स जो है ना वो कहीं एक साइड में लिखने हैं। एक होता है ट्रॉप्स, ये जो ट्रॉप्स वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? न्यूट्रिशन को, पोषण को, ठीक है ना। और एक होता है ट्रॉपिक,
एक तो है यहाँ पर ट्रॉप्स या ट्रॉपिक कह सकते हैं आप इसको, है ना। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रॉपिक, PHIC। और एक होता है ट्रॉपिक, है ना। ट्रॉपिक का मतलब होता है की ओर, क्या होता है की ओर। तो ये दो मीनिंग आपको, खाली एक ही वर्ड का आपको अंतर मिलता है। देखो TROPHIC और इसमें H नहीं है, इसमें ओनली एच नहीं है, ठीक है ना। तो एक है ट्रॉपिक और एक है ट्रॉपिक। ट्रॉपिक वर्ड जब वो कहीं पर भी आएगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करेगा। और ट्रॉपिक वर्ड कहीं पर भी आएगा तो इसका मतलब की ओर, यानी किसी न किसी प्रकार के मूवमेंट को हम बताते हैं। जैसे आपको पता ना फोटोट्रॉपिक, नॉट फोटोट्रॉपिक, क्या होता है फोटोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक। तो इसका मतलब क्या है, जल की ओर गति, प्रकाश की ओर गति, रसायन की ओर होने वाली गति। तो इनके लिए हम वर्ड यूज लेते हैं, इस प्रकार के मूवमेंट के लिए हम बात करते हैं यहां पर ट्रॉपिक, ठीक है ना। तो ये चीज आप यहां पर ध्यान में रखें। अब देखें कि ऑटोट्रॉप्स के बारे में, ऑटो वर्ड का मतलब होता है सेल्फ, इट मीन्स ऐसा बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। और ऐसे जो जीवाणु हैं आपके, वो भोजन बनाने के लिए या तो प्रकाश ऊर्जा पर निर्भर रहेंगे या फिर वो किसके ऊपर निर्भर रहेंगे, केमिकल एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा के ऊपर निर्भर रहने वाले हैं। दो प्रकार की है यहाँ पर, या तो प्रकाश ऊर्जा के ऊपर रहेंगे या फिर वो रासायनिक ऊर्जा पर निर्भर रहेंगे। और अगर प्रकाश ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। अगर वो प्रकाश ऊर्जा पर निर्भर है भोजन निर्माण के लिए तो हम उन्हें क्या कहेंगे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। और अगर वो किसके ऊपर निर्भर है, अगर वो रसायनों पर, अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर है भोजन निर्माण के लिए, तो उन्हें हम कहेंगे केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। हिंदी में हम कहेंगे प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी, और यहां पर कहेंगे रसायन संश्लेषी स्वपोषी। बात करें, देखें सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। तो आपको सीधा सा पता चल रहा होगा वर्ड से ही कि फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक का मतलब प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हुए जब जीवाणु अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है ना। अब इसके लिए किसके रिक्वायरमेंट होती है, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर देखें, इन जीवाणुओं के कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में आपको प्रकाश संश्लेषणकारी पिगमेंट या प्रकाश संश्लेषी वर्णक आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित होते हैं। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में, बैक्टीरिया में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कैसा होता है, नॉन ऑक्सीजेनिक होता है। कैसा होता है, नॉन ऑक्सीजनिक, इट मींस यहां पर ये ऑक्सीजन एनवायरमेंट में रिलीज नहीं करते हैं। बैक्टीरिया अगर फोटोसिंथेटिक भी हैं तो भी ये कैसे, ये आपके जो हैं वो ऑक्सीजन एनवायरमेंट में रिलीज नहीं करेंगे, इसलिए आप इनको क्या कह सकते हो, नॉन ऑक्सीजनिक। लेकिन अब देखें यहां पर ये एक पॉइंट अलग से है, इसमें नहीं आ रहा है, बैक्टीरिया में नहीं आ रहा है, ये साइनोबैक्टीरिया को हम अलग से स्टडी करते हैं ना। तो यानी यहां पर एक बात आई कि नॉन ऑक्सीजनिक होते हैं, तो मैंने ऑक्सीजनिक कंडीशन समझाने के लिए एक एग्जांपल दे दिया कि जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस है वो कैसा होता है, ऑक्सीजेनिक होता है। कैसा होता है, ऑक्सीजनिक। ऑक्सीजनिक का मतलब यहां पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जबकि बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता है। रीजन क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये किसका उपयोग करते हैं, ये सोर्स के रूप में आपके H2S का उपयोग करते हैं, थायोसल्फेट जिसको बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आप कह सकते हैं, उसका यूज इनके द्वारा किया जाता है, आइसोप्रोपाइल
अल्कोहल का यूज इनके द्वारा किया जाता है, इनके द्वारा कार्बनिक पदार्थ के रूप में। अगर देखें H2S जो है ना वो तो है आपका कोई इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट, इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट। लेकिन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और अगर मैं बात करूं फेट की, तो ये जो दोनों रिसोर्स हैं जिनका उपयोग बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, ये हैं आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो प्रकाश संश्लेषण तो कर रहे हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के अंदर भी ये सब्सट्रेट की फॉर्म में किसका यूज, अगर H2S का उपयोग करते हैं विच इज ए इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, थायोसल्फेट जिसको आप बोलते हैं, और अगर ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फेट का उपयोग करते हैं तो वो है आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनका उपयोग कर ये भोजन का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। लेकिन यहां पर H2S अगर होगा तो आप इमेजिन कीजिए कि H2O की जगह H2S है, तो यहां पर कहीं ऑक्सीजन जो है आपकी इवॉल्व नहीं होगी, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होने वाला है। उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स जो हैं, ये आपको बेटा एग्जांपल याद करने हैं। यहां आपके एनसीईआरटी में ये चीजें नहीं दे रखी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस में मिलेंगी, आगे भी आएंगी चीजें। तो यहां पर आप तीन तरह के बैक्टीरिया देखें। पहला आ जाता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। कौन से होते हैं? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया कैसे हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं। लेकिन फिर कह रहा हूं ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल का उपयोग नहीं करते हैं, या फिर आप इनको कह सकते हैं ये नॉन ऑक्सीजनिक नेचर के होते हैं। इसका एक एग्जांपल है क्रोमेटियम, ठीक है ना। क्रोमेटियम जो जीवाणु है वो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में आ जाते हैं। दूसरे आते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जिसमें क्लोरोबियम और थियोथ्रेक्स आ जाता है, ठीक है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया में रोडोस्पाइरलम, और आर का मतलब भी यहां पर रोडो ही है, ठीक है ना। तो रोडोस्पाइरलम और रोडोस्यूडोमोनास, ये जो बैक्टीरिया है आपके, ये किसमें आ जाते हैं? ये पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर आ जाते हैं। और इन सबको आप किसमें इंक्लूड करते हो? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में इंक्लूड करते हो। दूसरी बात देखें यहां पर, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ये थे फोटोसिंथेटिक, ये है कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कैसे? कि ये जो जीवाणु हैं ये रसायनों का उपयोग कर, है ना, रसायनों का या कार्बनिक पदार्थों को विखंडित कर, और उनके अंदर जो उपस्थित या उनसे रिलीज होने वाली जो एनर्जी है उसका उपयोग ये भोजन के निर्माण में कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु, ठीक है। तो अब चूंकि फोटोसिंथेसिस से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये होते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक, यानी इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्सेंट होंगे, तो आप कह सकते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनके अंदर कोई प्रकाश संश्लेषण जैसी प्रक्रिया उपस्थित नहीं होती। दूसरा, भोजन निर्माण के लिए ये रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया ये रासायनिक ऊर्जा कहां से आती है, तो ये कार्बनिक पदार्थों का विखंडन करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं? विखंडन करते हैं। और जब कार्बनिक पदार्थों का विखंडन करते हैं तो इनसे जब भी किसी पदार्थ का ब्रेकडाउन होता है, विखंडन होता है, क्या रिलीज होती है? एनर्जी। ये आपकी एनर्जी रिलीज हुई, ऊर्जा मुक्त हुई, और इस ऊर्जा का उपयोग वो किसमें? भोजन के निर्माण में कर लेते हैं, भोजन के निर्माण में करते हैं। तो इस प्रकार के जो जीवाणु हैं वो आपके कहलाते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। क्लियर? एग्जाम्पल देखें यहां पर, एग्जाम्पल है आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जब आप नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपके एग्जाम्पल कौन से आएंगे? ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में देखें, तीन एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिख रखे हैं, एक है नाइट्रोसोमोनास और दूसरा है नाइट्रोकोकस। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, ये किस प्रकार के बैक्टीरिया हैं? तो ये हैं आपके नाइट्राइट बैक्टीरिया। कैसे बैक्टीरिया हैं? नाइट्राइट बैक्टीरिया। इन दोनों को हम कह सकते हैं नाइट्राइट बैक्टीरिया। और नाइट्राइट बैक्टीरिया का मतलब क्या है? कि ऐसे बैक्टीरिया जो अमोनिया को,
अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं नाइट्राइट बैक्टीरिया। तो आप यहां पर मेंशन कर लीजिएगा कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस दोनों कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं, नाइट्राइट बैक्टीरिया में आ जाते हैं। जबकि जो नाइट्रोबैक्टर है आपका लास्ट वाला, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे नाइट्रेट बैक्टीरिया, इसे कहेंगे हम नाइट्रेट बैक्टीरिया। और जो नाइट्रेट बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी आपको अगर ये याद रखने में तकलीफ हो रही हो, कंफ्यूजन हो रहा हो, तो आप इसको खाली अभी नोट कर लीजिएगा, ये जब आप नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे उस समय आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। बाकी स्टेप या जो केमिकल रिएक्शन थी वो भी मैंने आपको बता दी। क्या नाइट्राइट जो बैक्टीरिया है वो अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं, और ये जो नाइट्राइट है इसको नाइट्रेट में बदलने का काम नाइट्रोबैक्टर करते हैं। तो इनको अपन नाइट्रेट बैक्टीरिया, ये नाइट्राइट बैक्टीरिया और ये है आपके नाइट्रेट बैक्टीरिया। तो ये था आपका पहले प्रकार के जो जीवाणु हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में दोनों कैटेगरी मैंने आपको बता दी, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट और आपका जो सेकेंड टाइप है वो आ जाता है हेटरोट्रॉप्स या हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, विषम पोषी जीवाणु। ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, वो किसी अन्य जीव के ऊपर, किसी सजीव के ऊपर निर्भर रहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं मृत कार्बनिक पदार्थों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो यहां पर भी आपके पास में दो ऑप्शन है कि हेटरोट्रॉप्स हैं तो ये मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहेंगे, या फिर ये किसी अन्य जीवित जीव पर निर्भर रहेंगे। अगर ये मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं तो आप इनको कहेंगे सैप्रोफाइट्स। क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइट्स बोलेंगे। और अगर ये जीवित जीव के ऊपर निर्भर रहेंगे तो आप इनको पैरासाइट कहेंगे, है ना। यानी हिंदी में हम इन्हें कहते हैं मृतोपजीवी और परजीवी। तो सीधा सा यहां पर आ जाता है परपोषी का मतलब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बेटा, जबकि भोजन प्राप्त करने के लिए किसके ऊपर, या तो ये मृत कार्बनिक पदार्थों के ऊपर, मृत जीवों के ऊपर, या उनसे संबंधित कार्बनिक पदार्थों के ऊपर निर्भर रहते हैं तो उन्हें अपन मृतोपजीवी कह देंगे, और या फिर ये किसी अन्य जीवित जीव के ऊपर निर्भर रहते हैं तो इस कंडीशन में हम उन्हें क्या कह देंगे, परजीवी कह देंगे। तो पोषण के इस तरीके के आधार पर हम हेटरोट्रॉप्स को भी फर्दर दो कैटेगरी में यहां पर क्लासिफाइड करेंगे। जैसे हमने ऑटोट्रॉप्स को भी क्लासिफाइड किया था फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, उसी प्रकार से यहां पर आ जाता है सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया और पैरासिटिक बैक्टीरिया। सैप्रोफिटिक का मतलब आ जाता है आपके मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, और पैरासिटिक का मतलब आ जाता है आपके परजीवी। अब यहां पर भी आप फर्दर वही स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हैं कि सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया का मतलब यहां पर मरे हुए जीवों पर या कार्बनिक पदार्थों पर, है ना, कार्बनिक पदार्थ या मृत जीवों पर निर्भर अगर कोई जीव रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, तो उन्हें हम यहां पर सैप्रोफाइट्स कहते हैं, सैप्रोफिटिक कहते हैं। और पैरासाइट का, पैरासाइट का मतलब होता है अन्य जीवित जीव पर, अन्य जीवित जीव पर निर्भर रहने वाले, ठीक है। तो यहां पर कितने प्रकार के बैक्टीरिया हो गए आपके, दो प्रकार के बैक्टीरिया हो गए, एक सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया और दूसरे हैं आपके पैरासिटिक बैक्टीरिया। फर्दर हम इनको दो दो कैटेगरी में यहां पर क्या कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं। जो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया है वो आपके ऑब्लिगेट सैप्रोफिटिक और फैकल्टेटिव पैरासिटिक है। दूसरा पैरासिटिक बैक्टीरिया है वो ऑब्लिगेट पैरासिटिक है और फैकल्टेटिव सैप्रोफिटिक है। बोले सर ये क्या बात हुई, इधर सैप्रोफिटिक आना चाहिए था तो यहां पर ऑब्लिगेट सैप्रोफिटिक और फैकल्टेटिव सैप्रोफिटिक होना चाहिए था,
और यहाँ पर पैरासिटिक है तो यहाँ पर ऑब्लिगेट पैरासिटिक और फैकल्टेटिव पैरासिटिक होना चाहिए था। लेकिन जब आप इन शब्दों के अर्थ समझेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्यों यहां पर ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट है और फैकल्टेटिव पैरासाइट है। हिंदी में इनका नाम समझ लीजिए, उससे आपको थोड़ा सा इस टॉपिक को समझने में टेक्निकली मदद मिलेगी। ऑब्लिगेट वर्ड का मतलब होता है यहां पर अविकल्पी, सेप्रोफाइट का मतलब आपको पता है मृतोपजीवी। ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना इस बात को, अविकल्पी मृतोपजीवी है, यानी ऐसे जीवाणु जो केवल मृत जीवों पर या कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, यानी उनके पास में इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अविकल्पी मृतोपजीवी, कोई और ऑप्शन नहीं है कि अगर वो मृत कार्बनिक पदार्थ है तो वो सरवाइव करेंगे और अगर नहीं है तो वो मर जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी भोजन के अभाव में, है ना, उनको न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान में रखना है ऑब्लिगेट सेप्रोफिटिक का मतलब होता है अविकल्पी मृतोपजीवी, अविकल्पी मृतोपजीवी, ऐसे बैक्टीरिया जो केवल और केवल मृत कार्बनिक मृत जीवों पर या कार्बनिक पदार्थों पर ही निर्भर करते हैं, उनकी अनुपस्थिति में उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, यानी इनके पास में कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, ऐसे बैक्टीरिया को आप कहते हैं ऑब्लिगेट सेप्रोफिटिक। क्लियर? एग्जाम्पल यहां पर आपको ध्यान में रखना है बेसिलस वल्गेरिस और क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, बैसिलस वल्गेरिस और क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम। नॉर्मली बैसिलस वल्गेरिस तो ठीक है, दूसरा जो एग्जाम्पल है आपका क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्यों? एक कंसेप्ट या एक टर्म आएगी आगे, बोटुलिज्म। बोटुलिज्म का मतलब होता है भोजन की विषाक्तता, भोजन की विषाक्तता, तो वो किससे होती है, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम से होती है। तो ये वहां पर फर्दर रिपीट होगा इसलिए मैं यहां पर स्टार बना रहा हूं, ये ध्यान में रख लेना आप कि क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम किस में आ जाता है, बोटुलिज्म में, और बोटुलिज्म का मतलब होता है भोजन के अंदर विषाक्तता आ जाना या पॉइजनस आ जाना। ठीक है, अब देखो ये मतलब आपको समझ में आ गया ना, अविकल्पी मृतोपजीवी यानी मरे हुए जीवों के ऊपर निर्भर रहने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं। दूसरा देखें फैकल्टेटिव पैरासिटिक, अपने आप समझ में आ जाएगा, ये ऐसे जीवाणु हैं, ऐसे बैक्टीरिया हैं जो है तो कैसे सेप्रोफिटिक नेचर के, कि जब तक उन्हें मृत जीव या मृत कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं तब तक तो ये उनके ऊपर क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे, लेकिन यदि यदि मृत कार्बनिक पदार्थों की अनुपस्थिति होती है, उनका अभाव होता है, तो ये अपना हैबिट परिवर्तित करने की कैपेसिटी रखते हैं, ये किसी होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, किसी पोषक के ऊपर डिपेंड रहकर और अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेंगे, यानी अब ये किसकी भांति, ये एक परजीवी की भांति जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर रहे हैं। देखो इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं है, मृत कार्बनिक पदार्थ है तो जीवित है, नहीं है तो बात खत्म। लेकिन यहां पर अगर जब तक मृत कार्बनिक पदार्थ है तब तक तो ये सेप्रोफिटिक की तरह व्यवहार करेंगे, मृतोपजीवी की तरह जो है वो अपना जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन अगर मृत कार्बनिक पदार्थों का अभाव होता है तो ये एक परजीवी की भांति व्यवहार करना क्या कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे। इसीलिए इनको कहते हैं विकल्पी परजीवी, कि इनके पास में परजीवी के रूप में या परजीविता का एक विकल्प उपस्थित होता है, ये परजीवी की भांति जीवन व्यतीत करने की क्षमता रखते हैं। इसके एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे स्यूडोमोनास और स्टेफाइलोकोकस, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया और स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो है वो आपके कैसे हैं, विकल्पी परजीवी। और तीसरा जो है आपका यहां पर सॉरी जो दूसरा प्रकार आ जाता है वो आ जाता है पैरासिटिक बैक्टीरिया। तो अगर आपको सेप्रोफिटिक समझ में आ गया तो सेम टू सेम आपका किसका हो जाएगा, पैरासिटिक बैक्टीरिया का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। कैसे, देखें अन्य जीवित जीव पर निर्भर रहने वाले हैं,
कैसे हैं? अन्य जीवित जीव पर निर्भर रहने वाले हैं। जिस जीवित जीव पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उसे हम पोषक या होस्ट के नाम से जानते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। और इसी के आधार पर आप इनको फर्दर कितनी कैटेगरी में? दो कैटेगरी में बता सकते हैं। एक होता है अविकल्पी परजीवी और दूसरा होता है विकल्पी मर्तोपजीवी। जो संबंध मैंने यहां पर बताया वैसा वैसा आपको संबंध यहां मिलेगा। अविकल्पी परजीवी का मतलब यहां पर ये अपना संपूर्ण जीवन काल केवल होस्ट के ऊपर ही व्यतीत करते हैं। यानी ये किसके ऊपर निर्भर है? ये किसी न किसी पोषक के ऊपर निर्भर रहकर परजीवी की भांति ही अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इनके पास में और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। इसीलिए हमने क्या कहा? अविकल्पी परजीवी। तो ये ऑब्लिगेट वर्ड कहीं पर भी आ जाए इंग्लिश में तो आप ध्यान रखें इसका मतलब होता है अविकल्पी, यानी इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं, अविकल्पी परजीवी। ठीक है, एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, ये है आपके मायोबैक्टीरियम लैप्री। कौन सा एग्जाम्पल है? मायोबैक्टीरियम लैप्री। ठीक है, और नेक्स्ट यहां पर बात करें फैकल्टेटिव सेप्रोफेटिक का। तो फैकल्टेटिव सेप्रोफेटिक उसी प्रकार से जैसे फैकल्टेटिव पैरासिटिक था, जस्ट इसका उल्टा कर लीजिए। यहां पर मृत कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति में ये परजीवी की भांति व्यवहार करने लग गए थे। ये क्या होंगे? यहां पर होस्ट की अनुपस्थिति में ये मृत कार्बनिक पदार्थों के ऊपर निर्भर रहना प्रारंभ कर देते हैं। होस्ट एब्सेंट है तो परजीवी की भांति नहीं जी सकते। तो अब ये किसकी भांति जीवित रहना स्टार्ट कर देंगे? अब ये मर्तोपजीवी की भांति व्यवहार करना स्टार्ट कर देंगे। तो यानी यहां पर क्या हो गया? ये आपके हो गए विकल्पी मर्तोपजीवी। कैसे हो गए? विकल्पी मर्तोपजीवी। लेकिन है क्या है ये? ये है परजीवी। क्या है ये? परजीवी। लेकिन अगर होस्ट नहीं है, पोषक नहीं है, तो उसके अभाव में ये मृत कार्बनिक या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों के ऊपर निर्भर रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। तो ऐसे जीवाणुओं को विकल्पी मृतोपजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एग्जाम्पल क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये आपका सिंपल सा दूसरा प्रकार था हेटरोट्रॉप्स। ठीक है ना, चारों टर्म अच्छी तरीके से समझ में आ गई आपको? ठीक है ना, तो इनकी जो एक एक लाइन की डेफिनेशन है वो आप यहां पर इसके नीचे लिख लेना और उसके बाद में एग्जांपल लिख लेना। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको नोट करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड लास्ट एक लाइन का है वैसे, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे यहां पर सिम्बायोटिक की, है ना, सहजीवी जो जीवाणु है वो किस प्रकार से। नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है आपका सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सहजीवी जीवाणु। अब देखिए सहजीवी जीवाणु, सहजीवी शब्द का मतलब, सह मतलब होता है साथ में, जीवी का मतलब जीवन यापन करने वाले, है ना। तो यानी ऐसे जीवाणु जो किसी अन्य जीव के साथ में सहजीवी संबंध रखते हैं या फिर अपना पूरा जीवन उनके साथ में व्यतीत करते हैं, ऐसे जीवाणुओं को हम कहते हैं सहजीवी जीवाणु। अब यहां पर किसी अन्य जीव की बात करें तो यहां पर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है कि कुछ जीवाणु जो है वो पादपों के साथ में सहजीवी संबंध प्रदर्शित करते हैं। किसके साथ में? पादपों के साथ में। ऐसे पादप कौन से हैं? तो आप जानते हैं लेग्यूम प्लांट, लेग्यूम। लेग्यूम का मतलब होता है फलीदार, है ना, और प्लांट का मतलब आप जानते ही अच्छी तरीके से पादप, यानी ऐसे पादप जिनमें फली लगती है, है ना, फली वाले जो पादप होते हैं उन्हें हम लेग्यूम प्लांट कहते हैं। और इसका जो कुल है वो भी आपको अच्छी तरीके से पता है, लेग्यूमिनोसी फैमिली। ठीक है ना, तो आप ध्यान जानते हैं लेग्यूमिनोसी कुल के पादपों में, है ना, लेग्यूमिनोसी कुल के पादपों में इनके अंदर मूल ग्रंथिकाएं पाई जाती है, रूट के अंदर, जड़ों के अंदर क्या उपस्थित होती है? रूट नोड्यूल्स, मूल ग्रंथिकाएं उपस्थित होती है। और इस मूल ग्रंथिकाओं के अंदर होती हैं राइजोबियम जीवाणु। कौन से जीवाणु? राइजोबियम जीवाणु, है ना। तो इसका एग्जाम्पल भी यही है आपका राइजोबियम बैक्टीरिया। और राइजोबियम बैक्टीरिया करते क्या हैं? ये एक प्रकार से नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है।
नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, है ना, ये क्या करते हैं, ये वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है, इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये अमोनिया में, नाइट्राइट के अंदर, या फिर नाइट्रेट में, या फिर आप कह सकते हैं अमोनिया के लवणों में परिवर्तित कर देते हैं। अमोनिया के लवणों में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो सीधा सा आपको तो एक दो लाइन का ध्यान में रखना है कि सिंबायोटिक बैक्टीरिया में सहजीवी जीवाणु, और सहजीवी जीवाणु में एक एग्जांपल आपको याद रखना है यहां पर राइजोबियम बैक्टीरिया, जो लेग्यूम पादपों की या लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की मूल ग्रंथिकाओं में उपस्थित होता है, और किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशनकारी बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। और इस प्रकार के नाइट्रोजन फिक्सेशन को आप क्या कहते हैं, जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन या जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हमने केवल एक टॉपिक को डिस्कस किया है, कौन सा, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, कि जीवाणुओं में जो पोषण है वो किस प्रकार का होता है। तो जीवाणुओं में पोषण के हमने तीन प्रकार पढ़े हैं, ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स और सिम्बायोटिक, तीन प्रकार के। इनको अच्छी तरीके से तैयार करें, इनके सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं वो अभी से याद करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल इतने सारे आने वाले हैं टैक्सोनॉमी में कि कन्फ्यूज हो जाओगे कि कौन सा एग्जाम्पल किसके अंतर्गत आता है। तो मैं कह रहा हूं बेटा, टैक्सोनॉमी थोड़ी सी आपके लिए टफ पड़ सकती है, थोड़ी सी टफ पड़ सकती है, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल मैटर बहुत ज्यादा है, है ना। तो थ्योरेटिकल मैटर मेरे को सारे एक एक पॉइंट में आपको वैसे यहां पर बता रहा हूं, साथ साथ में थ्योरी भी आपको यहां पर बता रहा हूं, लेकिन इसको आपको साथ साथ में तैयार करना है, साथ साथ में इसको आपको याद करना है, ठीक है ना।